राजधानी लखनऊ में सार्थक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वीरांगना उदा देवी पासी सम्मान समारोह 2023 का आयोजन सीएमएस गोमती नगर में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायिका श्रीमती अनुपमा जायसवाल एवं पद्मश्री विद्या बिंदु ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा बिखेरने वाली सामाजिक सरोकारों के लिए कार्यरत 31 विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वीरांगना उदा देवी पासी के जीवन पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में विधायिका अनुपा जायसवाल ने बताया कि वीरांगना उदा देवी सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान थी। उनकी शौर्य गाथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पद्मश्री विद्या बिंदु जी ने कहा कि संस्था ऐसे ही कार्य करती रहे और वह इसी तरह उनका सहयोग आगे भी करती रहेंगी। सार्थक वेलफेयर सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत अभियान से प्रेरणा लेते हुए स्वच्छता की शपथ में रिकॉर्ड स्थापित किया। संस्था की पहल के लिए संस्था के कामों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने वर्तमान में व पूर्व मंत्रियों की ओर से कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इस अमृत महोत्सव के आयोजन में समाज के अग्रणी महानुभावों का उत्साह बढ़ेगा, वही सामाजिक सरोकार के लिए किए जा रहे संस्था के कार्य को भी गति मिलेगी। कार्यक्रम में गुंजन वर्मा, रंजीता स्वरूप, वंदना गुप्ता, शिखा पटेल, अरुण प्रताप सिंह आदि लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अश्विनी जायसवाल, संरक्षक अजय कुमार, जीएन शुक्ला, आनंद कुमार और उदा देवी के प्रपौत्र कमल कुमार मौजूद थे। इस अवसर पर कमल कुमार ने कहा कि वो संस्था के शुक्रगुजार हैं कि वीरांगना उदा देवी के नाम पर यह सम्मान समारोह रखा गया। उनके तत्वाधान में हमारी वीरांगना उदा देवी पासी जी का स्मृति में आज महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। तो वास्तव में उदा देवी हमारे देश की कैसी वीरांगना रही, इन्होंने आम महिलाओं की तरह हाथों में चूड़ियां तो पहनी थी, मांग में सिंदूर तो सजाया था, कि उससे पहले देश का जो भगवा रंग है, देश की जो आज़ादी का रंग है, देश की जो स्वतंत्रता पूरी करने की कसम थी उसको भी खाया था। और जब वक्त आया तो उन्होंने निकलकर यही लखनऊ की सर्जरी पर 36 अंग्रेजों को पेड़ पर चढ़कर बंदूक से मारा था। और अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर ऐसा कैसे हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। तब नज़र किसी के ऊपर गई और देखा कि एक महिला जो है पुरुष के भेष में गोलियां चला रही है। फिर एक साथ मिलकर उस वीरांगना को कई लोगों ने गोली मारी और जब वो नीचे गिरी तब पता चला कि ये पुरुष के भेष में कोई महिला है। तो हमारा देश ऐसे ही वीर और वीरांगनाओं से भरा रहा है और शायद यही कारण है कि हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की मजबूती आज सालों साल दर साल मजबूत होती चली जा रही है, क्योंकि इस भारत देश ने अपने पूर्व में ऐसे वीरों का जन्म दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में इनकी शहादत को नमन करते हैं। और आज जो ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो उनकी स्मृति में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारे बच्चों को, हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को, हम सबको एक बार पुनः स्मरण हो जाता है कि देश में हमारा नाम हो या ना हो, सारी दुनिया में हमारे देश का नाम होना चाहिए। देश पहले है, हम बाद। किया गया और किन महिलाओं को चिन्हित किया गया था जिन्हें सम्मानित किया गया है? पहला तो आपको बता दें कि हम लोग ये लखनऊ में इस तरीके का पहला कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का जो कार्यक्रम है वीरांगना उदा देवी, उन्होंने बहुत सोचा कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, मैं खुद कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं रहा है जिसमें उस अवार्ड जिस नाम से करे उसका कोई वंशज। तो इस बार दीदी हैं अजय सर की थोड़ा सा प्रेरणा से, चच्चू की प्रेरणा, इधर आ जाइए, चच्चू जी की प्रेरणा से थोड़ा सा ये बार कुछ नया किया जाए। तो आपको जो है थोड़ा सर्च करके हम लोगों ने कमल कुमार जी आगे की, कमल कुमार जी आपके प्रा पौत्र हैं, उनको हम लोगों ने खोज के निकाला और उनको कार्यक्रम में यहाँ पे बुलाया गया। और हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई क्योंकि वीरांगना थी तो महिलाओं पे ही हमें कार्यक्रम करना है। जो हमारी महिलाएं हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं और एक जो है एडवोकेसी की परामर्श देता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बुला के सम्मानित करते हैं और बस ये रहता है कि भाई जो समाज है समान है उसमें हम लोग जो अच्छा काम करें उसको। सर कितने लोगों को सम्मानित किया? 31 महिलाओं को कर रहे हैं उनका हम लोग सम्मान समारोह। अच्छा, ये सम्मान समारोह आयोजित करने का कैसे आपको ख्याल है कि उदा देवी के नाम पे आपको करना चाहिए? देखिए ऐसा है ना कि मैं पढ़ा तो मैंने देखा कई बार कि झांसी रानी जी की
अहिल्या बाई के बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। तो मैं एक बार गूगल नेट पे पढ़ रहा था, तो मैंने उदा देवी जी के बारे में पढ़ा, और उदा देवी जी के बारे में पढ़ा जो सिकंदराबाद के बगल में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं जानता नहीं हूँ। अब हमें बड़ा शर्म लगी कि लखनऊ की ही वीरांगना और सिकंदराबाद में रहते हुए बगल में रहें। तो मैंने उसी दिन ढाल लिया कि उनको प्रमोट हम लोग करेंगे ताकि हमारे कम से कम लखनऊ वासी तो उनको पूरी तरीके से जाने। और उसी दिन से ही ढाला मैंने। ठीक है, देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।